हाय फ्रेंड, मैं हूँ अश्विनी। अश्विनीज मेज़बानी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिल की चिक्की। दो ही चीज़ यूज करके हम आज तिल की चिक्की बनाएंगे, तो बहुत सिंपल और परफेक्ट तरीके से बन जाती है। तो आइए हम फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तिल का चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप शुगर लिया है। हमें जितनी शुगर लेनी है, जितने तिल लेने उतनी शुगर लेनी है। तो अभी मैं इसको मेल्ट करूँगी। अब हमें इसको पानी नहीं ऐड करना, कुछ भी नहीं, बस हमें इसको ऐसे ही मेल्ट करना है। शुगर हमारा 5 मिनट में अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो इसको मैं मेल्ट कर लेती हूँ। देखो अभी हमारा ये शुगर मेल्ट होना शुरू हो गया। हमें इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो हमारा शुगर नीचे कढ़ाई में चिपक के जल जाएगा। देखो अब हमारा शुगर आधे से ज़्यादा मेल्ट हो चुका है। इस प्रोसेस को हमें ध्यान से करना है। अभी देखो ये हमारा शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अभी हमें गैस की फ्लेम लो करनी है और इसमें अभी हमें जो हमने तिल लिए है वो इसमें ऐड करना है। देखो इसमें बिल्कुल कोई गांठ नहीं रही है, बिल्कुल ये देखो कितना अच्छे से स्मूथ सा बन चुका है। अभी मैंने 1 कप चीनी ली थी, तो 1 कप ही तिल लिए है। अभी मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। हमें इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें तिल भून के नहीं लेने हैं, क्योंकि ये हमारा शुगर इतना गर्म होता है कि इसमें हमारे तिल सारे भून के लेते हैं। तो अगर तिल भून के पहले लेंगे तो हमारे तिल में कड़वाहट सी आएगी। अभी हमें ये क्या करना है, अच्छे से मिक्स करके मैंने किचन के प्लेटफॉर्म पे घी लगा के लिया है, और ये एक बेलन लिया है उसमें भी घी लगा के लिया है। हमें ये प्लेटफॉर्म पे ही उसको बेलना पड़ेगा, ताकि ये जल्दी से अच्छे से बेल जाता है। अभी मैं वो तिल का बैटर अभी प्लेटफॉर्म पे डाल दूँगी। अभी मैं डाल देती हूँ। अभी हमें ये प्रोसेस थोड़ा सा फटाफट करना है बेलने वाला, ये जल्दी से जम जाता है नहीं तो। अभी बेलन तो पहले मैंने ऑयल रखा था घी लगा के, अभी इसको हम फैला दे वाला बैटर चिपक जाता है, तो हम ठंडा पानी का हाथ लगा के इसको निकाल लेंगे। हाथ ऐसे नहीं लगाना है, ठंडे पानी का ही लगाना है, नहीं तो हम जलने के चांसेस होते। ये बहुत गर्म है, तो फैला लेती हूँ। आपको कितना मोटा पतला चाहिए उसी हिसाब से आप फैला। अब देखो मैंने इसको बेल लिया। हमें तुरंत ही इसको कट का निशान लगाना है, नहीं तो ये बाद में हार्ड हो जाता है और फिर निशान नहीं अच्छे से लग पाता। तो अभी मैं इसको निशान लगा लेती हूँ। आपको जिस शेप में लगाना है उस शेप में आप लगा सकते हो। देखो अभी मैंने कट लगाए। अभी हम इसको उठा के पलटी करके रख देंगे, ताकि ये नीचे चिपके नहीं, नहीं तो ये चिपक जाता है नीचे। और बस 2 मिनट ठंडा करके लेना है, बाद में हम इसका पीसेस कट कर देंगे। देखो अभी ये हमारा ठंडा हो चुका है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। देखो इसको पहले कट लगाने से ये है, और ये जल्दी फिर इसके पीसेस बन जाते हैं। अभी मैं इसको देखो इजीली इसके पीस बन जाते हैं। अभी मैं इसको सबके निकाल लेती हूँ। देखो अभी मैंने ये सारे पीसेस निकाल दिए। देखो कितनी बढ़िया सी बनी है, बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत टेस्टी भी बनती है, क्रिस्पी बिल्कुल, और हार्ड भी नहीं है, खाने के लिए बहुत अच्छी बनती है। देखो इसकी आवाज़ से पता चलता है ये कितनी क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी बनती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी ये तिल और नीकी चिक्की जरूर ट्राई करना। ये चिक्की बहुत टेस्टी जैसे मार्केट जैसे बन जाती है, और खाने में भी बहुत क्रिस्पी और यम्मी लगती है, और बच्चे तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर संक्रांति में तिल की बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, जैसे एक तिल की चिक्की है। कि तिल की चिक्की बनाते टाइम एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, तिल चीनी में ऐड करते हैं तब हमें ज़्यादा बाद में उसमें ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है। उसको तुरंत गैस की फ्लेम ऑफ करके उसे अच्छे से मिक्स करके उसको तुरंत ही निकाल के बेलना है। बेलते टाइम हम जब हमारा बैटर
बेलन पे चिपक जाता है, तो हमें ठंडे पानी के हाथ से ही बेलन का बैटर हटा के आराम आराम से उसको बेल के तुरंत ही कट लगाने हैं, ताकि हमारी चिक्की अच्छे शेप में कट जाए, नहीं तो वो तुरंत ड्राई हो जाती है और फिर कटने में मुश्किल हो जाती है और शेप थोड़ा सा बिगड़ जाता है। यही चीज़ का ध्यान रखना है, और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आप भी ये तिल की चिक्की ज़रूर ट्राई करना, और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय।